गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ राज प्रयाग सबसे बड़ी अयोध्या रामलीन अवतार बोल सियापति रामचंद्र की पवनसुत हनुमान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम। ये जय घोष धरती नहीं ब्रह्मांड के उस हिस्से में खड़ा हूं जहां प्रभु श्री राम ने अवतार लिया था। विष्णु के सातवें अवतार प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या और उत्तर प्रदेश के चुनावी वर्ष में अयोध्या से ये वोट युद्ध न्यूज इंडिया के दर्शकों को सभी को शेखर त्रिवेदी का बहुत बहुत नमस्कार। हम अयोध्या में हैं, ये जय घोष, ये राम की नगरी, ये लोगों का उत्साह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से तीन दशक से सियासत की धुरी बना रहा अयोध्या नई करवट के साथ, नए उजाले के साथ एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। वो त्रेता का दौर था जब राम प्रतापी राजा थे, अयोध्या समेत पूरी दुनिया पर उनका शासन था, ये ब्रह्मांड उनके नाम से गुंजायमान रहता था। फिर वो दौर भी आया जब इसी अयोध्या में विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण हुआ, हमारी अस्मिता विरासत को चोट पहुंचाई गई। फिर उसके बाद वो दौर भी देखा जब हिंदू तनमन हिंदू जनमन जागृत होता है और उसके बाद वो कलंक के पुतले हटा दिए जाते हैं। और फिर वो दौर भी देख रहा है ये सारा हिंदुस्तान जब एक भव्य राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण हो रहा है। आज इस वोट युद्ध की शुरुआत हमारे साथ खास मेहमान यहां पर हैं, अयोध्या की नगरी से पधारे हुए बहुत सारे कुलीन लोग हमारे साथ में हैं, हम एक एक कर उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका एक एक कर परिचय करा देता हूं। परमानंद मिश्रा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं। वीरू तिवारी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखेंगे। हमारे साथ दान बहादुर जी हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। और आशीष गौतम जी हैं, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जो यहाँ संत समाज के लोग पधारे हैं, अयोध्या के नागरिक पधारे हैं, उन सबके बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही करते हैं क्योंकि अयोध्या लगातार भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे एजेंडे में रहा जो बीते तीन दशक से उत्तर प्रदेश की सियासी धुरी को अपने इर्द गिर्द रखे रहा है। वैसे तो ये मसला सैकड़ों साल पुराना है, हजारों साल पुराना है, लेकिन जिस तरीके से 90 के दशक में अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत के बाद सियासी धुरी घूमी, उसने पूरे देश की राजनीति का चक्र बदल कर रख दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा परमानंद जी कि जिस तरीके से इस समय अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो क्या अब ये मसला कोई चुनावी मसला है या जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती रही कि यह हमारे आस्था का विषय है और इसको हम अमली जामा पहना कर रहेंगे, इस पर हम वोट का युद्ध नहीं करते? सबसे पहले तो मैं अयोध्या की धरती पर आपका स्वागत एवं वंदन करता हूं कि आपने बहुत नेक प्रश्न किया और आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एवं आदरणीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश को बेहतर प्रदेश बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। दूसरी चीज कि राम मंदिर का जहां तक सवाल है, ये हर हिंदू का हर सनातनी का सपना था और इस सपने के लिए हजारों हजारों बलिदान लोगों ने दिया और उसको आदरणीय मोदी और योगी जी के सानिध्य में आज पूरा होता दिखाई दे रहा है। तो इससे बड़ा सौभाग्य अयोध्या वासियों के लिए क्या होगा, भारत के लिए क्या होगा, सनातनियों के लिए क्या होगा। तो हमारे सपने पूरे हो रहे हैं तो ये कोई मुद्दा नहीं, हर सनातन धर्मी का मुद्दा है, उसके आराध्य राम है, जन जन के राम है, कण कण के राम है, शबरी के राम है, जटायु के राम है, संपाति के राम है, तो राम से बढ़कर के कोई नहीं है, राम से बढ़कर कोई नहीं। और जब बात खुद अयोध्या में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की हो रही हो तो जाहिर सी बात है कि जो पूरे प्रदेश की राजनीति के केंद्र में रहा हो उससे भला इनकार कैसे किया जाए।
वीरू जी हमारे साथ में है। अयोध्या को ये मत समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की ही थाती रही है, थोड़ा इतिहास में पीछे जाएंगे, 1989 तक पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि कांग्रेस की तरफ से राजीव गांधी ने इसी अयोध्या से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब 2019 में प्रियंका गांधी आती हैं, राहुल गांधी का राजनीति में पदार्पण होता है, तो वो भी अयोध्या आते हैं। अंतर सिर्फ इतना रह जाता है कि जहां रामलला टेंट में विराजमान थे वहां तक ना जाकर उनकी यात्रा हनुमानगढ़ी तक सीमित हो जाती है। राम तो कांग्रेस भी मानती है, अदालत में सवाल जरूर उठे कि राम थे, इसका सबूत दीजिए। अभी राम का भव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तो वीरू जी कांग्रेस के राम अलग हैं या फिर कांग्रेस के राम वही हैं जो बाकी देश के हैं, ब्रह्मांड के हैं? क्योंकि हिंदू अलग, हिंदुत्व अलग, ये आपके नेता कहते हैं। देखिए, हमारे जो राम है वो भारतीय जनता पार्टी के राम नहीं है, हमारे राम जन जन के राम है, कड़कड़ के राम है, लोगों के आराध्य राम है। इनके राम का दर्शन करने अगर किसी विपक्षी दल का नेता चले जाए तो बड़ी मिर्ची लग जाती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। और हमारे राम के दर्शन के लिए सभी धर्मों के लोग आमंत्रित हैं, सभी जातियों के लोग आमंत्रित हैं। तो हमारे राम जो है वो जन जन के राम है, हमारे राम भारतीय जनता पार्टी के राम नहीं है। वैसे हिंदू के अलावा कोई और धर्म का एक आधा उदाहरण जो अंदर जा करके भगवान राम के दर्शन करके आए हो, कोई नाम लेंगे आप? जी नहीं, देखिए बड़े नेताओं की बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन उसके अलावा सैकड़ों लोग आज भी हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं, है ना, हनुमानगढ़ी में दर्शन करते हैं, दूसरे धर्मों के लोग भी दर्शन करते हैं, इसमें कौन सी नई बड़ी बात हो गई? अयोध्या तो सर्वधर्म संभाव की अयोध्या रही है, हमारे राम ने तो पूरी दुनिया को मानवता और सद्भाव का संदेश दिया है, हम तो उसका अनुसरण करते हैं। लेकिन आपके नेता ही कहते हैं, आपके नेता ही कहते हैं हिंदू अलग, हिंदुत्व अलग। जी नहीं, कहीं हिंदू, हाँ इनके हिंदू से अलग है, बिल्कुल अलग है। इनका हिंदुत्व समाज में विद्वेष फैलाता है, नफरत फैलाता है। इन्होंने अपने राम का उपयोग राजनीति की मंडी में किया है, इन्होंने अपने राम का उपयोग राजनीति की मंडी में किया है, चुनाव के लिए किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम का उपयोग सिर्फ चुनावी उपयोग के लिए और अयोध्या का उपयोग केवल चुनावी लाभ के लिए किया है। इनको अयोध्या और राम से लगाव नहीं है। राजीव गांधी जब आए थे तो वो ऐसे ही आ गए थे, मतलब अयोध्या से चुनाव प्रचार करने 89 में? भाई क्यों नहीं आ सकते अयोध्या से चुनाव प्रचार करने? नहीं, क्यों नहीं आ सकते भाई? कांग्रेस के लोग आवे, सपा के लोग आवे, बीजेपी आवे, सियासत की मंडी में उतारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये आज यही करते रहे। भगवान राम, ये राम मंदिर, इनके नाम बैंक की चेकबुक है, जब चाहेंगे कैश करेंगे, फिर उसको उठा के अलमारी में रख देंगे, है ना। वैसे ये ठीक है, सियासी बात कही है वीरू जी ने, लेकिन राम के नाम का बैंक भी है अयोध्या में। ये दिलचस्प है, किससे बताते चलूंगा आपको, लगातार समझते रहिए। अब आइए, वैसे तो बहुत सारे जो सियासी लोग होते हैं वो जब समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ बातचीत शुरू करते हैं तो कहते हैं लाल टोपी वाले, लाल टोपी, बिल्कुल लाल सलाम की तरीके से आप देखिए। इस समय भी दानवी जी के, हाँ हाँ, नहीं नहीं आते हैं तो अच्छा, गठबंधन है मतलब धीरे से गठबंधन, ये है हनुमान जी का रंग, पसंद रंग माता सीता के सिंदूर से हनुमान जी ने किया था लाल रंग। लाल रंग क्रांति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, बेईमानों को सत्ता से हटाने का प्रतीक है। ठीक है, अब ये बताइए कि आपके राम कैसे दिखते हैं? बीजेपी के राम, जैसा वीरू जी ने कहा कि उनके राम अलग, कांग्रेस के राम अलग, सपा के राम कैसे हैं? सपा के राम हृदय में रहने वाले राम, कबीर के राम सपा के हैं, तुलसी के राम सपा के हैं, रस खान के राम सपा के हैं। सपा राम के नाम का व्यापार नहीं करती, ये लोग राम के नाम का व्यापार करके राम की प्रजा को सताते हैं। राम की प्रजा जो अयोध्या के नागरिक हैं, उनको दुख तकलीफ देते हैं। अभी आप आए हैं मेन रोड से, जब सड़कों पर अंदर गलियों में जाएंगे तो वहां जो भी सड़क मिलेगी, अखिलेश के शासन में पवन पांडे के द्वारा बनवाई हुई ही सड़क मिलेगी। 8 साल पहले बनी थी, तब से एक ईटा नहीं रखा गया, अब बारिश में गड्ढा कर डाले हैं। संभाल के जाइएगा, नहीं तो आपके भी हाथ पैर टूटने का खतरा बना रहेगा बराबर। हमारे राम ऐसे हैं कि उनकी प्रजा को सुख दिया जाए, उनकी प्रजा को धन धान्य से पूर्ण किया जाए। इतना टैक्स इन्होंने लगाया है कि यहाँ का नागरिक कराह रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, जिस दिन मैं सत्ता में आऊंगा, अयोध्या के मठ मंदिरों का, नागरिकों का हाउस टैक्स
जो 300 का 3000 30000 हो गया है उसको माफ करूंगा, पूरी 300 यूनिट बिजली फिर दूंगा। अयोध्या गरीब शहर है, ये पूंजीपतियों का शहर नहीं है। हाँ, बड़े बड़े होटल बने उनसे टैक्स लिया जाए, पुरानी पेंशन मेरे अध्यक्ष ने कहा है लागू करूंगा, शिक्षा मित्रों को पक्की नौकरी दूंगा, ये 8000 वाली नौकरी का सिस्टम खत्म होगा मेरे अंदर। जान बहादुर जी ने देखिए तमाम जो अपने घोषणा पत्र या वादे इरादे हैं अखिलेश यादव के द्वारा उनका तो जिक्र किया, लेकिन बीच में बड़ी महीन सियासत कर गए। 3.5 दशक से इस अयोध्या में, 90 के दशक से मतलब, हाँ, बीजेपी का एक छत्र साम्राज्य रहा। 2012 में पवन पांडे जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने धीरे से बीजेपी के हाथ से कुर्सी छीनी, लेकिन 2017 में जनता वापस आ गई, जनता ने वापस भी कर दी, जनता फिर वापस कर रही है। चलिए देखते हैं, ये तो जनता के पास हम जब जाएंगे तब वो अपना फैसला सुनाएगी, ये जनता के हिस्से की बात है। आशीष गौतम जी हमारे साथ हैं। आशीष जी, वैसे तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी ने भी यहां पर कार्यक्रम किया है बीते दिनों में, और अयोध्या बसपा से भी छूटा नहीं है, मतलब राम आपके भी हैं, कैसे हैं ये भी बताइए। सबसे पहले तो पुरुषोत्तम श्री राम जी की धरती पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपके सारे जो यहाँ पर आपकी पूरी टीम को आपका स्वागत अभिनंदन है, धन्यवाद। और राम हमारे ही नहीं हैं, राम सभी के हैं, सभी जाति धर्म सभी मजहब के हैं, राम को सभी मानते हैं, उनके आदर्शों पे सभी चलते हैं, आपके भी राम है हमारे भी राम है। तो राम को बांटने की जो राजनीति हो रही है ये राजनीति ही बीजेपी कर रही है। राम को तो यही लोग बांट रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो है हम जो है राम के जो है सबसे बड़े भक्त हैं। क्या ये भक्त आज 2014 के बाद से लोग जो है राम को जान रहे हैं? सदियों से राम को लोग मानते हैं, राम की पूजा करते हैं। तो राम को बांटने की राजनीति बीजेपी के लोग कर रहे हैं, और राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर आपने तमाम घोटाले सुने होंगे। तो बीजेपी वाले सिर्फ राम का नाम लेकर घोटाला कर रहे हैं, कोई विकास यहां पर आपको दिखेगा नहीं। अभी अयोध्या आप आए हैं, चले जाइएगा, आपको कहीं कोई विकास दिखने वाला नहीं है। ठीक है, विकास तो ऐसा है कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में 2014 के बाद से उसको ढूंढा जा रहा है, बहुत सारे उस पे चुटकुले भी बन गए, लेकिन विकास एक ऐसी चीज है जो एक सतत प्रक्रिया है, इसको यूं हम पत्रकार होने के नाते झुठला नहीं सकते। हमारे साथ अयोध्या के लब्ध प्रतिष्ठित संत करपात्री जी महाराज हैं। गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम। राम को इन लोगों ने चार कंधों पर उठा लिया जी। जिस राम के सहारे हम इंसान चार कंधों पर जाते हैं, चार पार्टियों ने राम को ही कंधे पर उठा लिया। करपात्री जी महाराज, ये कैसी अयोध्या है? देखिए, चार कंधों पर राम जी तो उठाए नहीं जा सकते हैं। नहीं, आपके सामने चार कंधों पे तो कोई मृतक उठाया जा सकता है? हमारे राम जी मृतक नहीं है, हमारे जगत पिता सब राम बखाना। लेकिन एक चीज का जरा सा अफसोस होता है, जब विकास की बातें करते हैं, जब चुनाव की बातें करते हैं, तो लोग रूट को जो डाइवर्ट कर देते हैं, रूट को डाइवर्ट कर देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला हूं, चूंकि साधु हूं संत हूं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा देश पाक साफ होना चाहिए, साफ पाक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाक साफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाक साफ होना, और साफ पाक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साफ पाक, साफ पाक हो और पाक साफ हो, हमारा उद्देश्य। समझ रहे हैं ना आप समझ रहे हैं? हमारे दर्शकों से सवाल है, पाक साफ हो। संतों का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है कि संत जब भी बोलेगा यही बोलेगा कि पाक साफ हो, साफ पाक हो, समझे आप? और भाजपा को, भाजपा किसी के बस का नहीं है रोकना, भाजपा को किसी के बस की बात नहीं है। बा मतलब बहुजन समाज पार्टी, स मतलब समाजवादी पार्टी, और का मतलब कांग्रेस पार्टी, ब स का, इसके बस का नहीं है भाजपा रोकना। क्यों? कि इसने काम किया है। और भाई साहब बोल रहे थे, सुनिए मैं बता रहा हूँ, काम सुनिए, भाजपा का सुनिए मेरी बात सुनिए, ये इन लोगों से पूछिए, एक मिनट रुकिए, इन लोगों से पूछिए कि इनके घर का कौन व्यक्ति शहीद हुआ है कासुआ में,
शहीदों की शहादत ना वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद उस विधवा बांस से पूछिए। जानते हैं सिर्फ यह है, ऐसे ऐसी भाषा प्रयोग करते हैं। अरे ये हम लोगों के सीने पे गोली चलवाई है, रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलकती मांग है अब भी, अभागिन माओ बहनों के उन्हीं पिछड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है तो जिन्होंने सीने पे गोली खाई है, ये क्या राम को कंधे उठाएंगे? भगवान की कृपा हुई इन इन सब लोगों को राम जी खुद कंधे उठा के कहेंगे राम नाम सर। चलिए ठीक है, देखिए कभी कभी चर्चा में ठीक है, कभी कभी ठीक है भैया, चर्चा आगे बढ़ाते हैं, चर्चा हम आपके लिए ही आए हैं, आपके पास भी आएंगे। अब समाजवादी पार्टी की बारी। धान बहादुर जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है 2014 का इलेक्शन, नेताजी का ये रैली के अंदर से बयान कि भूलना मत हमने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, भूलना मत। तो 14 तक तो आप उस नाते से वोट मांग रहे थे, आज 21 में जब मंदिर बन रहा है तो राम आपके भी हो गए। मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है, हमने तब भी कहा था कि या तो आम सहमति अथवा उच्च सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बन रहा है। मस्जिद भी बन रही है रौनाही में, मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मन रहा है। बात तो वहीं आकर टिकती है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तब भी हम चिल्ला रहे थे और बना भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, 14 में भी इनकी सरकार आई थी। हम लोगों ने कहा था कि बड़ा 56 इंच का सीना बताते हैं तो अध्यादेश से बनवा लीजिए देश राम मंदिर को, लेकिन एक प्रक्रिया होती है, संवैधानिक व्यवस्था है हिंदुस्तान में, बन तो रहा वो सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश। ठीक है, मतलब क्रेडिट, मतलब जो गोलियां थी वो कहां गई, वो तो ठीक है मंदिर गोलियों का भी स्पष्टीकरण दिया जा चुका है कि बताइए, तत्कालीन डीएम राम शरण श्रीवास्तव अभी जिंदा है कानपुर में, उन्होंने एक जठुई उन्होंने एक पुस्तक लिखी है कि उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया था, किसी कार सेवक के अति उत्साह में एक सीआरपी के अधिकारी पर गुम्मा लग गया था, अयोध्या के बासी गवाही दे देंगे, अटेंडम गोली चल गई थी, मुलायम सिंह ने और डीएम ने कोई आदेश नहीं किया था गोली चलवाने का। ठीक है, इस पे अध्ययन कर लीजिए। ठीक ठीक, अध्ययन, अब वो किताब में क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे लिए नेता ठीक 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 मेरे लिए नेताजी का बयान काफी है, मैं किसी जिलाधिकारी के पास जाता नहीं। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे 90 के उस दौर में, और 2014 का रिकॉर्डेड बयान है मुलायम सिंह यादव का कि मत भूलना हमने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, याद रखना वोट देना। अरे न्यूज चैनल पर रिकॉर्डेड बयान, रिकॉर्डेड बयान है, कोई बात नहीं। दान बहादुर जी, दान बहादुर आगे, अरे आप क्यों परेशान है, आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे जाना चाहूंगा तिवारी जी, एक सेकंड, आता हूं भैया, आता हूं। तिवारी जी, आपकी पार्टी में तो ऐसे ऐसे वकील आए हैं कि राम तो छोड़िए, उन्होंने तो राम सेतु पर भी सवाल उठा दिया, उन्होंने कहा राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं थी, श्रीलंका राम ये सब कुछ थे ही नहीं। अदालत में खड़े होकर के जब मुकदमा चल रहा था, दलील दी गई है, ऑन रिकॉर्ड है। आपकी हर बात का जवाब है, लेकिन आज की इस बहस को देख के लग रहा है कि इस पैनल में परमानंद जी की आवश्यकता नहीं थी, आप ही रहते तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन चलिए, हैं नहीं राम मेरे भी हैं, नहीं नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि आप रहते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन चलिए आपने कहा, देखिए वो कोर्ट की बात है, अच्छी बात है ना, अच्छी थोड़े लगे नहीं, अब आप बोल, इनिस बोलवा लीजिए, नहीं नहीं परमानंद जी दोनों लोग बोल, इनिस बोलवा लीजिए, आप बोलिए। देखिए वो बीती बात हो गई है, उस मसले पर कांग्रेस के तमाम सारे लोगों के विचार आ चुके हैं। आज अगर आप कोई राजनीतिक बहस अयोध्या में करने आए हैं तो अयोध्या के विकास की, अयोध्या की शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, बेरोजगारी की, इन तमाम सारे मुद्दों पर हम लोग बात किया जाए। अब वो राम जी का मसला पुराना हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर बन रहा है, अब उन बातों को भूलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, आज के नौजवान कैसे देश में तरक्की करें, आगे बढ़े, इन सारे विषयों पर बातचीत होनी चाहिए। हमको बेहतर स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले, सुरक्षा मिले, अब वही आप लोग जो है एजेंडा लेके चल देते हैं लखनऊ से, राम मंदिर राम मंदिर। देखिए देखिए, तिवारी जी ने जो बात कही, अगर ये बात मैं अपनी तरफ से कहता ना तो ये राजनेता मुझ पर चढ़ जाते कि ये राम को अयोध्या में आके आप राम की बात कीजिए, अब इन्होंने अपनी तरफ से ये बात रख दी
ठीक, अब आगे चलते हैं। मैं इसीलिए हर चीज तिवारी जी देखिए, हाँ अब देखिए, अब राम जी का मंदिर देखिए बन रहा है, अब राम जी की प्रजा की भी चिंता होनी चाहिए ना। मैं इसीलिए मैंने अगर ये मुद्दा मैं ना निकालता तो तिवारी जी कहते कि आप जो हैं विकास की बात ही नहीं कर रहे। अब मैं विकास पे आता हूँ, देखिए विकास यहाँ खड़ा है। विकास नहीं मिलेगा, देखिए अब परमानंद जी, अब ये गणित की प्रमेय हो गई है, आप सिद्ध कीजिए कि आप विकास कर रहे हैं। मैं तो उनको बधाई देना चाहते हूँ जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, 70 साल कांग्रेस ने इस देश में शासन किया और 70 साल में एक फोर लेन नहीं था। आज हर जिला जो है 4 फोर लेनों से, हवाई एक्सप्रेस से सब जुड़ा हुआ है। पूरी अयोध्या में देखिए गली गली सौंदर्यीकरण हो रहा है। इनको केवल जो है अपना जो राम सेतु पर ये वो शपथ पत्र देते हैं, शपथ पत्र कि राम काल्पनिक बनाने वाले, ये मुलायम सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले, अखिलेश यादव के प्रतिनिधित्व करने वाले, जिन्होंने भक्तों पर गोली चलाई, आज विकास की बात करते हैं। 5 सालों में क्या किए? एक हॉस्पिटल नहीं, एक शिक्षा नहीं, चारों तरफ। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य में, मोदी जी के राज्य में चारों ओर विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो रही है, क्या क्या नहीं हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी का नारा है। परमानंद जी मैं आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं आशीष जी से लेता हूं, फिर जनता के पास हम चलेंगे। देखिए ऐसा है कि सपा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये तो अपनी बात कहते रहते हैं, लेकिन एक चीज और भी है। वो ठीक है आप कोई किसी को कह दे, जैसे तिवारी जी ने कह दिया हमें कि भाई आपकी मतलब परमानंद जी की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन पलट करके अगर सवाल नए सिरे से नहीं रखे जाएंगे तो क्या फर्क रहेगा कि आप न्यूज इंडिया की बहस देख रहे हैं या ABCD किसी भी चैनल की देख रहे हैं। कुछ तो अलग देना पड़ेगा ना, हमारी भी जिम्मेदारी है। मायावती का शासन, वो 4 बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश में, मायावती का शासन और खास तौर से 2007 से 12 का जो दौर था जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, बहुत सारे ऐसे काम हुए जिसको उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा नहीं है कि बस यूं नकार दे, काम हुए थे। मसला उसमें यह हो गया कि जो पार्क और बहुत सारे हमारे जो दलित चिंतक थे और जो हमारे दलित महापुरुष थे, वो हमारी व्यवस्था ही ऐसी है जाति को लेकर के और समाज को लेकर के कि इससे आप पार ही नहीं पा सकते। अब चूंकि हम अयोध्या में खड़े हैं तो हम यहां से इस बात को कह सकते हैं, क्योंकि हमारे योगी जी ने हनुमान जी को भी बताया कि वो आदिवासी। इसलिए बात समझिए, ये बात समझने की है कि अगर किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो लखनऊ में है उसका नाम छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी न किया गया होता, जिसका दुनिया भर में विरोध भी हुआ, तो छत्रपति साहू जी महाराज को कौन जान रहा था? आप जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो जब राजनेता अपनी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाता है, वो नाम भी बदलता है, तो उसके पीछे भी बड़े संकेत होते हैं, बड़े मायने होते हैं। आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर मायावती, मतलब एक दौर कल्याण सिंह का था और फिर मायावती का, वो दोनों दौर लोगों को याद हैं। लेकिन हमने ये देखा कि बसपा शनै शनै बहुत सारे लोग आपके जाते रहे, बहुत सारे नए लोग जुड़ते भी हैं। ऐसा क्यों होता है कि बसपा एक जगह पे सिमट जाती है? बात आप सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की करते हैं, विकास आप चौतरफा करते हैं अपनी सरकार के दौर में, फिर भी पिछड़ जाते हैं। सर हम कहीं पिछड़े हुए नहीं हैं, और विरोधी पार्टियाँ तो अपने अपने जो है वो दुष्प्रचार करते ही हैं। आप ये देख लीजिए, अगर अंबेडकर पार्क बना है तो उसमें दलितों पिछड़ों, जो हमारे दलितों पिछड़ों के जो महापुरुष थे उनको मान सम्मान दिया गया है। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर उनको मान सम्मान देती है तो उसमें गलत क्या है? और उसके साथ साथ सारे सभी महापुरुषों का मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी करती है, और कहीं भी बहुजन समाज पार्टी पिछड़ी नहीं है। और लगातार हमारे राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद मिश्रा जी लगातार जिले में विधानसभा स्तर पर वो कार्यक्रम कर रहे हैं। आपके अयोध्या की धरती पर सबसे पहले उन्होंने प्रभु सम्मेलन किया, जिसमें हमारे बड़े भाई करुणाकर पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ लाखों की लाखों ब्राह्मण समाज के लोग कार्यक्रम में आए थे।
उसके बाद अभी जल्द ही सतीश मिश्रा जी ने मिल्कीपुर में कार्यक्रम किया, जिसमें हजारों ब्राह्मण और लाखों जो है वहाँ के मिल्कीपुर की जनता वहाँ पे उपस्थित हो गई। तो हम कहीं पिछड़े हुए नहीं है, पिछड़े तो और लोग हैं। जैसे अब जब से हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ है सतीश मिश्रा जी का, तब तो सारे पार्टियों के नेता एसी की हवा ले रहे थे, चिलचिलाती गर्मी में मान्य जो है सतीश मिश्रा जी ने कार्यक्रम शुरू किया था और लगातार तब से कार्यक्रम शुरू चल रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय भीमराज भर जी लगातार पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। हमारे जो है नकुल दुबे जी जो कि कई सेक्टरों के प्रभारी हैं, कई प्रदेश प्रभारी हैं, वो लगातार मुस्लिम समाज में लगे हुए हैं। तो हमारी पार्टी कहीं पिछड़ी नहीं, हमारी पार्टी जमीनी स्तर पर काम करने वाली पार्टी है। हम चौराहे और रोड पर चिल्लाने वाले लोग नहीं है, दंगा करने वाले लोग नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट 2022 में आपको दिखेगा। आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी, ये बात तय है। ठीक है, देखिए दावे और राम के साथ जो हमने चर्चा शुरू की उसमें अच्छा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ही विकास के मुद्दे पर इस पूरी चर्चा को लाने का जो प्रयास हुआ, वरना राम छूट जाते, क्योंकि राम को लेकर के आना ये बड़ा संभव नहीं है। राम से ही अयोध्या शुरू होती है। अब हम जनता जनार्दन से कुछ बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वोट युद्ध और यह है न्यूज इंडिया। हम अयोध्या में हैं, हमने सबके राम देखे, राम की अयोध्या देखी, और अब अयोध्या के विकास को देखने के साथ साथ हम उस जनता की राय भी लेंगे दरअसल जिससे ये अयोध्या तैयार होती है। बहुत सारे लब्ध प्रतिष्ठित नागरिक यहाँ पर हैं, हम उनसे एक एक करके चर्चा करेंगे। 5 विधानसभाएं हैं, हाँ, और ये पहले अभी भी संसदीय क्षेत्र तो फैजाबाद ही है, लेकिन जिला अयोध्या हो गया है और इस अयोध्या में 5 विधानसभाएं हैं। अयोध्या विधानसभा में बीजेपी का लगातार 90 से कब्जा रहा है, 12 में समाजवादी पार्टी जीती थी, 17 में वापस बीजेपी और अब आगे की लड़ाई। ये बताइए कि हमारे जो अब तक की चर्चा में बात सामने आई, 2017 के बाद से और 2017 के पहले अयोध्या में कोई परिवर्तन, किस तरीके की स्थितियां आप आंकते हैं जनता की नज़र से? देखिए अयोध्या इसके पूर्व उपेक्षित थी, और जैसे अभी सभी लोगों ने चर्चा किया, चाहे केंद्र की सरकार हो प्रदेश की सरकार हो, अयोध्या में नित्य रोज नई परियोजनाएं आ रही हैं, विकास की एक तरह से गंगा बहाने का प्रयास हो रहा है केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा। अभी 2-3 दिन पूर्व नितिन गडकरी जी ने अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग 2 लेन का शिलान्यास किया। रिंग रोड जो 62 किलोमीटर का है वो उसका शिलान्यास हुआ, जिसमें सरयू पर पुल बनेगा, और बहुत अच्छा परिक्रमा मार्ग बन रहा है, रोड अच्छा बन रहा है। व्यवसायिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अयोध्या को एक नई पहचान मिलने वाली है। ठीक है, आपने कहा विकास एक सतत प्रक्रिया है, कोई बटन नहीं है कि तुरंत दबाने पर वह काम दिखाई देने लगे, कुछ समय लगेगा, और निश्चित तौर पर वह समय आ रहा है कि जब अयोध्या विश्व पर्यटन पर एक विकसित नगरी के रूप में प्रतिस्थापित होगी। त्रेता में जब भगवान राम अयोध्या के राजा थे, उस समय भी जनता को तरह तरह की समस्याएं थीं, वो अपने राजा से शिकायत करते थे कि हमारे पास ये नहीं वो नहीं, जबकि प्रतापी राजा थे और राम ही सबको सब कुछ देने वाले। लेकिन ये इंसानी स्वभाव है, भूख कभी खत्म नहीं होती, वो अपने समय से रोज लगती है, और उस भूख को शांत करना ही विकास का एक मार्ग है। अपने शरीर की भूख को भी समाप्त करना, पेट की आग को समाप्त करना भी विकास का ही द्योतक है। आप कुछ करोगे तो कुछ खाओगे तो पेट में जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अयोध्या में सड़क, बिजली, पानी, ये तो बड़ी अलग सी रूटीन की बातें हो गई, अयोध्या को हम कैसे देखें? अयोध्या को देखने का क्या नजरिया भी बदलना पड़ेगा? अयोध्या को देखने के लिए नजरिया बदलने की जरूरत नहीं। राम पहले की अयोध्या और अब में अयोध्या में बड़ा अंतर आ गया। आप देखते हैं कि सड़कों पे डेली कम से कम 30,000 से 35,000 से दर्शनार्थी आने लगे हैं। हमको तो लगता है आने वाले समय में ये संख्या 1,00,000 से ऊपर जाएगी। और यहाँ पे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है
आज अयोध्या चारों तरफ, चाहे अयोध्या फैजाबाद एक सा दिखाई पड़ रहा है, चाहे एयरपोर्ट का मामला ले लीजिए, चाहे सड़कों के मामले में ले लीजिए, चाहे पर्यटन के मामले में लीजिए, अयोध्या आने वाले समय में विश्व की नज़र अयोध्या पर है। पूरा विश्व चाहता है अयोध्या में आके बसें, तो सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है, राम ही अयोध्या। ठीक है, तो ये कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। आप बताइए कि जैसा जिक्र हो रहा है कि अयोध्या में जो परिक्रमा मार्ग है, एयरपोर्ट भी यहाँ बन रहा, अयोध्या में पुष्पक विमान उतरा था, जब विमान की कल्पना नहीं थी तो पुष्पक विमान यहाँ उतरा था और युगों पहले उतरा था, और वो था, ऐसा नहीं है कि वो कोई कल्पना लोक की बात है। तो अब यहाँ हवाई पट्टी बन रही है, अब जो आधुनिक विमान है वो एकदम से लैंड नहीं कर पाते हैं, उनको रनवे चाहिए होता है। तो ये जो जिस तरीके से, अच्छा, रामायण यहाँ पर लगातार होने लगी, दीपोत्सव का कार्यक्रम 2017 के बाद से लगातार होने लगा, तो क्या ये अयोध्या में एक बदलाव की स्थिति है, या आपको लगता है कि चूंकि बीजेपी की सरकार थी इसलिए ये सब तो होना ही था? जनता को केवल धार्मिक बनाने के कारण चल रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है। 5 साल में 5 विकास अगर कोई नेता खड़ा होकर बता दे भाजपा को तो मार जाएंगे। ठीक है, इतना ही कहना, और हम कुछ नहीं कह सकते, और हम धार्मिक बहस नहीं करेंगे। आप बताएं। देखिए, केवल धर्म की राजनीति करने वाली ये पार्टी है, युवाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में, विकास के बारे में कभी नहीं सोचा। जैसा कि अभी अंकल जी ने कहा, यहाँ पर अयोध्या की जनता को उजाड़ने का सरासर कार्य चल रहा है, और जनता अयोध्या की धर्मनगरी अयोध्या है, ये धर्मनगरी अयोध्या को व्यापार नगरी अयोध्या बनाने की पूरी भाजपा वालों की तैयारी है। और जो व्यक्ति LIC बेच सकता है, तेल बेच सकता है, कोल बेच सकता है, सड़क बेच सकता है, बिजली बेच सकता है, पानी बेच सकता है, कांग्रेस की लाई हुई कंपनियों को बेच सकता है, शिक्षा बेच सकता है, यूनिवर्सिटी बेच सकता है, वो कल को राम मंदिर को भी किसी गुजराती अंबानी या अडानी के हाथ में बेच देगा, और तब इसी राम मंदिर में दर्शन करने के 5 रुपये टिकट लगेगा कि गरीब आदमी जरा दर्शन करने पर 1000 बार सोचेगा। और अयोध्या की जनता को उजाड़ करके यहाँ पर बड़े बड़े गुजरातियों का होटल बनेगा, सर्वेश्वर होटल बनेगा, केवल गुजरात बात करने का मोदी जी का पूरा समर्थन है। परमानंद जी की बारी आ गई, देखिए, मतलब हमें कुछ करने सुनने की जरूरत नहीं थी। आप बताइए परमानंद जी, जनता के सवाल आपने सुने, जवाब क्या है? देखिए, जहां तक विकास की बात है, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने जितना जो विकास कर दिया, वो विकास जो है संभव ही नहीं था। अयोध्या के दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट, अंडरग्राउंड लाइट, घर घर जल की सुविधा, सारी व्यवस्था, हर रोड 4 लेन। इसके अलावा जो राम की ये बात कहते हैं, ये लोग तो वो राम को मानने वाले हैं जो इनके नेता गोली चलवाते हैं। इनके नेता कहते हैं कि अयोध्या में परिंदा पर नहीं मर सकता है, वहाँ पर राम भक्त आते हैं, राम भक्तों ने ढांचा से मुक्ति दी। आज वो लोग जो है राम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। सपा वालों, इनको शर्म आनी चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि चोरे ही चांदनी रात न भावा, उसमें क्या है, इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेसवे नहीं दिखाई दे रहा है, मेडिकल कॉलेज नहीं दिखाई दे रहा है, शिक्षा का विकास नहीं दिखाई दे रहा है, बस जो है केवल बाउंड्री बनाते थे कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने वाले लोग हैं। ये आप जनता की बात सुन रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा, देखिए, अयोध्या में एक कुछ नजारे बदल भी लेने चाहिए। हम चर्चा गर्म हो रही है, जरा उधर कैमरा करो, ये नजारा भी हमारे दर्शकों को देखना है ना, ये जरूरी है। ये हनुमान जी की सेना, और अभी जो है ना वो माँ, जो माँ है बंदर, वो बच्चे के जुए बीन रही है। ये यहाँ पर चल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं आप, चलिए अब वापस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो इस समय अयोध्या में विकास को लेकर के लगातार बात कही जा रही है, कि कोई एजुकेशन पे बात कर रहा है, कोई रोजगार पे बात कर रहा है, फिर धर्म नगरी भी इसको कह रहा है, है कहाँ, कैसे, अगर कारोबार बढ़ना है तो मतलब सिर्फ नौकरी ही एक जरिया समझें, या फिर कुछ और भी तरीके हैं जिससे हम ये समझें कि नहीं, कुछ बदलाव सोच में हो सकता है? सर, थोड़ा हमें वक्त दीजिएगा बोलने के लिए। अभी आपने कहा है कि अयोध्या के विकास के बारे में हमें आप पूछ रहे हैं। कोरोना काल में
समाजवादी पार्टी में बने ये दशरथ मेडिकल कॉलेज, बगल मेडिकल कॉलेज बना है, हजारों लोगों की जान बचाई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर समाजवादी पार्टी में दिया गया था। अयोध्या के विकास के लिए जितना पैसा समाजवादी पार्टी ने फ्लो में बहाया, उसी का फीता केवल माननीय योगी जी ने अपने 5 सालों में काटा है। कोई नया काम इन्होंने नहीं किया है। और मैं एक अयोध्या का मूलतः व्यापारी हूँ, और पिछले 2.5 सालों से जो तमाम विकास की योजनाएं अयोध्या में आई हैं, उससे यहाँ का व्यापारी वर्ग बहुत आहत है। तमाम लोगों की जानें चली गई, हार्ट अटैक से मर चुके हैं, क्योंकि उनकी दुकानें जा रही हैं। हम लोग लगातार आंदोलन चला रहे हैं कि कम से कम आप विकास कीजिए, खुद विकास कीजिए, अयोध्या में रोडे चौड़ी कर लीजिए और डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन कम से कम यहाँ के दुकानदारों को उनको दुकान बना के शिफ्ट करके फिर अपना कार्य योजना बढ़ाइए। लेकिन सरकार एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। हटेगी, जरूर हटेगी, लेकिन कब हटेगी ये सरकार जाने के बाद फैसला होगा। क्योंकि जिस तरह अखिलेश यादव जी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, उसके अगले दिन ही सरकार ने घोषणा किया कि हम 50% बिजली का बिल हाफ कर रहे हैं। तो तमाम बातें हैं। आपको जो ये एक जो ये अयोध्या का वो दिखाया गया है प्रोटोकॉल, उसके अंदर के आप गली कूचे में घूमेंगे तो आपको तमाम दिक्कतें दिखाई पड़ेंगी। यहाँ के लोग काफी परेशान हैं। इस समय यहाँ का जो डेवलपमेंट दिखाया जा रहा है वो केवल एक हवा हवाई है। अयोध्या वाले उससे बहुत ही दूर है अभी डेवलपमेंट से। अभी यहाँ के व्यापारियों के लिए बहुत एक हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार बिना व्यापारियों को, क्योंकि अभी तमाम हम लोगों की वार्ता डीएम या ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। ये अपनी अपनी तरह की समस्याएं हैं। ये जो सरकार की तरफ से प्रयास होने चाहिए थे या जो प्रयास किए होंगे वो नहीं पहुंच रहे हैं, सब तक नहीं पहुंच रहे हैं। कहीं पहुंच रहे होंगे, सब तक नहीं पहुंच रहे हैं। इसका जवाब अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो उसका जवाब भी सरकार को ही देना है। ठीक है, हो गया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो अभी स्थिति है उसमें अयोध्या के मुद्दे क्या है, मतलब 2022 में यहाँ की जनता वोट किस विषय पे देने जा रही है, बताएं। पहली चीज तो यहाँ अयोध्या में विकास केवल खोजा जा रहा है, विकास दिखाई नहीं पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी केवल विकास का एजेंडा एक बनाई हुई है कि हर तरफ विकास है, लेकिन विकास धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। आपको क्या लग रहा है कि अयोध्या में क्या चीजें, आपने बाहर से आए आप तो क्या बदला हुआ नजर आया आपको? लखनऊ अयोध्या में सबसे बदला तो यही आ रहा है कि भव्य यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज तो यही है कि जो आज 70 साल से जो मुकदमा था, जो भी समस्या थी, वो उसका निदान हुआ। आज भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, और जैसे ही मंदिर बनता है यहाँ पे पर्यटन स्थल घोषित होता है तो बहुत से रोजगार भी आएंगे समाज के सामने, लोगों के सामने रोजगार भी आएंगे। यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनने जा रहा है, तो बहुत सी चीजें हैं, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। जैसे ही बनता है तो रोजगार तो अपने आप आएगा। ठीक है, जो लोग अयोध्या आ रहे हैं उनके दिमाग में अपनी बात है, उनका कहना यह है कि विकास होगा, लोग जब आएंगे, धर्म नगरी है अयोध्या वगैरह वगैरह, तो हर एक का अपना विषय है, अपनी बात रख रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप बताएं कि क्या करते, क्या हैं आप? जी अभी तो हमारा बिजनेस ही है। बिजनेस है, काहे का? अपनी किराने की दुकान है। किराने की दुकान है। तो अयोध्या धर्म नगरी के रूप में जो मंदिर बन रहा है, जाहिर सी बात है कि जो धर्म स्थल है वहां पर व्यापार तभी बढ़ेगा जब पर्यटक आएंगे। बिल्कुल आएंगे। नौकरी की भी एक सीमा है, हाँ, तो व्यापार एक बेहतर चीज है। अपना काम आपको लगता है कि उसमें बदलाव आ रहा है, उसमें बढ़ रही है चीजें? जी बदलाव आ रहा है, लोग आ भी रहे हैं, जितने श्रद्धालु हैं, जितने पहले आते थे उससे कहीं गुना ज़्यादा अब ज़्यादा आ भी रहे हैं। लेकिन श्रद्धालुओं के रहने के लिए, उनके लिए अभी तक सरकार ने कोई भी व्यवस्था नहीं की है। एक भी बाथरूम टॉयलेट की व्यवस्था कहीं भी किसी प्रकार की नहीं की गई है। अगर जो ये बताया जाता है कि हम इस तरीके के श्रद्धालुओं के लिए एक भी रहने की व्यवस्था नहीं है, एक भी कोई इस तरीके का आप धर्मशाला नहीं दिखा सकते हैं जैसा कि आप और जगहों पे जाते हैं। ये आप बताइए कि क्या क्या है इस बार अयोध्या के मसले क्या हैं? सर पहले मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे दो सवाल मुझे करने हैं। एक सवाल, मायावती का शासनकाल था, इस पूरे अयोध्या जिले में एकमात्र इंटरनेशनल स्टेडियम है जो बन रहा है, लगातार तीन सरकारें, तीसरी सरकार चल रही है, 15 साल से आज तक उस स्टेडियम का विकास नहीं हो पाया। आज तक आप देख सकते हैं इंटरनेशनल स्टेडियम है, मायावती सपा भाजपा
15 साल, अब तक वो स्टेडियम बन के तैयार हो जाता, लेकिन इससे पहले लखनऊ में 1 साल के अंदर स्टेडियम बन गया इंटरनेशनल, वहाँ मैच हुआ, कानपुर में बना वहाँ मैच हुआ, क्या अयोध्या? अगला अगली बात रखिए, दूसरी बात रखें, दूसरी बात शिक्षा, शिक्षा रोजगार, रोजगार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अयोध्या का, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लोग उपेक्षित हैं, संविदा पे लोग नौकरी करने के लिए भटक रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। मंदिर हमारा सनातन धर्म संस्कृति का प्रतीक है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। तीसरी चीज एक बात और कहूंगा सर, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं या जितने लोग अपने मुद्दे की बात करते हैं लेकिन युवाओं की बात कोई नहीं कर रहा, कोई भी सरकार ये नहीं कहती है कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, आएंगे रोजगार देंगे, लेकिन आने के बाद युवाओं का ही शोषण होता है। ठीक है, तो ये हमने जनता की भी बात सुनी, अब हम वापस नेताओं के पास चलते हैं, आ रहे हैं आप ही के पास आ रहे हैं, नेताओं के पास चलेंगे और ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग समय से अलग अलग दौर में जब भी सरकारें रहीं कुछ ना कुछ छूटा, जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है दान बहादुर जी कि समाजवादी पार्टी का जो शासनकाल रहा 12 से 17 का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है आपके समर्थक हों या पार्टी के चाहने वाले हों, जो भी हैं, ये जनता ये कहती है कि साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी लोगों के मन में टीस है कि एजुकेशन हो गया, अस्पताल हो गए, बहुत सारी चीज़ें अधूरी हैं, तो अभी प्लान क्या है, मतलब वादे और इरादे जमीन पर कैसे उतरेंगे, क्या है आपके दिमाग में? देखिए, सपा शासन में ही ट्रामा सेंटर बना था, गंजा में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन दी गई थी, कोरोना के मरीज वहीं भर्ती हुए, नहीं तो भर्ती होने का गुंजाइश नहीं बचती। और मैं आपको एक बात भगवान राम से ही जोड़ना चाहता हूँ, ये त्रेता युग से कहावत चली आ रही है कि संध्या काल के बाद अयोध्या में सौदाह नहीं होता, केवल काशी में होता है, और इसी कोरोना की सेकंड वेव में अयोध्या के सौदाह स्थल 24 घंटे चले हैं, परंपरा को तोड़ना पड़ा, लोगों को लकड़ी नहीं मिली, इतनी मृत्यु हुई, यूकलिप्टस की लकड़ी से लोग अपने परिवार के लोगों को निपटाए हैं, वो भी विचार जनता के मन में है, कोई गली कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा है कि जिससे ऑक्सीजन के अभाव में लोग मरे ना हो। कैंसर का अस्पताल लखनऊ में बना था, उद्घाटन नहीं हो पाया था, लेकिन वही कैंसर का अस्पताल अखिलेश यादव का काम आया इस सरकार के कोरोना के रूप में, और हमारी फ्यूचर की योजना है कि अब की यदि जनता ने, महान जनता ने मौका दिया तो इस अयोध्या में ही, अयोध्या जनपद में ही पीजीआई की स्थापना की जाएगी, क्योंकि यहाँ देश विदेश के लोग आएंगे और आ रहे हैं, उच्च स्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए, 4000 एम्बुलेंस चलती थी 108, डीजल के अभाव में खड़े सड़ गई, हर चौराहे पर आपने भी एम्बुलेंस देखा होगा उत्तर प्रदेश में, केवल डीजल नहीं दे पाए, अगर डीजल दे पाते तो लोगों को ठेले पर अपने परिवार के लोगों को इस अस्पताल से लेकर उस अस्पताल तक दौड़ना नहीं पड़ता। हमारी पहली व्यवस्था होगी स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त हो, जिस तरह से हर चौराहे पर 108 102 खड़ी रहती थी, फिर मिले फोन करे कोई परिवार में बीमार होता है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की तीन जिम्मेदारी है, रक्षा शिक्षा स्वास्थ्य, इससे भी ये पल्ला झाड़ ले रहे हैं, ये भी नहीं दे सकते तो ऐसी सरकार का क्या काम। ठीक है, हम आशीष जी से भी जानने की कोशिश करते हैं, आशीष जी जो चर्चा चली है जनता की जो समस्याएं हैं, 7 से 12 के बीच में जब मायावती जी की सरकार थी, बहन जी की सरकार थी, उस दौर में अगर ये सारे समस्याओं का निदान किया गया होता, जैसा लोगों ने बताया कि नहीं 12 से 17 का उनको काफी याद है, तो शायद कुछ मसले अलग होते, तो इसको किस तरह से हम देखें कि कहाँ चूके आप और सर, अभी कैसे उसको कंपनसेट करेंगे? देखिए, हम सर जो है कह नहीं चुके हैं, 2007 से 2012 में बहुत ही विकास हुआ है, और प्रदेश में युवाओं को, हमारी बहनों को जो आज तैयारी करने जा, उनके पास जो कहीं आज कहीं रोजगार ही नहीं है, कहीं नौकरी ही नहीं है सरकारी, संविदा में भी नौकरी करने के लिए 1,50,000 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन बहन जी के शासन में
25 लाख युवाओं को बहनों को नौकरी दी गई थी और ये रिकॉर्ड है, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। योगी जी ने कुछ लोगों को नौकरी देकर दिल्ली तक ये बैनर लगवा दिए हैं, दिल्ली तक बैनर लगवा दिए हैं और सारी भर्तियां कोर्ट में चली जा रही हैं। ये सारे जो पेपर होने वाले रहते हैं वो पेपर लीक हो जाते हैं। ये सरकार लीकेज सरकार है, लीकेज सरकार है। और आदरणीय बहन जी की सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी रहती थी, लोगों को जो है रोजगार मिलता था, बहन बेटियां सुरक्षित रहती थी और तमाम सुविधाएं बहन जी ने जो है प्रदेश की जनता को दिए हैं जो आज तक कोई सरकार अभी तक दे नहीं पाई। अब हम बिल्कुल आखिरी दौर में पहुंच रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा वीरू जी कि प्रियंका गांधी खासतौर से उत्तर प्रदेश में जब से आई हैं कांग्रेस में एक नई जान फूंकने का काम उन्होंने किया है। मैं गया था बाराबंकी, मैंने देखा निर्मल खत्री जी भी यहाँ से पहुंचे थे, सांसद रहे हैं और बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि जो खांटी कांग्रेसी हैं वो तो निकल ही रहे हैं। महिलाओं को जोड़ने का जो एक अभियान चलाया, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, आपको लगता है कि उसका रिस्पॉन्स यहाँ अयोध्या में जिस तरीके से स्थितियां हैं उसमें वो बात दम लगा करके आएगी सामने इस चुनाव में? देखिए, कांग्रेस का इतिहास अयोध्या से अगर आप जोड़ के देखेंगे तो 1989 तक तो यहाँ हमारे सांसद वगैरह सब रहे ही हैं। 2009 में यहाँ पर कांग्रेस के सांसद निर्मल खत्री जी हुए थे। इसी अयोध्या शहर में जहाँ से आप ये अपने शो का प्रसारण कर रहे हैं, हमारे दो दो नगर पालिका के चेयरमैन अभी 2009 से 11-12 तक रहे, उसके पहले सरदार महेंद्र सिंह जी रहे। तो अयोध्या की जनता का कांग्रेस के प्रति विशेष लगाव है और निश्चित रूप से इस चुनाव में जो प्रियंका जी की भूमिका है, राहुल जी की भूमिका है और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है और कांग्रेस के पिछले कामों को देखते हुए निश्चित रूप से इस बार अयोध्या की जनता यहां से कांग्रेस को ही चुनने जा रही है, ये बिल्कुल तय है। ठीक है, जिस तरीके की इस चर्चा में हमने बातें देखी हैं और ये समझने की कोशिश की है कि अयोध्या का मूड क्या है, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल बनते जनता की तरफ से हमें दिखे, जिसके जवाब नेताओं की तरफ से हमें मिले और अब हम बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं चर्चा के। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। विवेक अयोध्या के ही रहने वाले हैं, ये एक और दिलचस्प बात है, मैं इनको लेकर इसीलिए आया लखनऊ से कि अयोध्या को इनकी नज़र से देखना बहुत ज़रूरी है। विवेक, आप अक्सर एक कहानी सुनाते हैं कि अयोध्या दोबारा कैसे बसी और जब जब बसी, जब जब उसके विकास की बात हुई, ये सिर्फ आज की नहीं हर गली मोहल्ले की हिंदुस्तान की कहानी है। हम अयोध्या को कैसे अलग करें और जो रोजगार, सड़क, बिजली, पानी की समस्या, अस्पताल की समस्या बाकी जगहों पर है, उससे राम की नगरी कैसे हम अलग नज़र से देख पाएंगे या नहीं देख सकते? नहीं देख सकते, अयोध्या ही राम है, राम ही अयोध्या है, दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और हमेशा रहेंगे। देखिए शेखर, जो चर्चा यहाँ पर हो रही है दो चीज़ें हैं, एक तो अयोध्या की धार्मिक पहचान है और दूसरी विकास की बात है। धार्मिक पहचान सबको मालूम है, भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और 1950 में 49 में जब इस जो पहले बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर जब भगवान राम का मूर्तियों का प्रकाशोत्सव हुआ तभी तय हो गया था कि देर सवेर यहाँ मंदिर ही बनना है। तकलीफ इस बात की है कि 70 साल मुकदमा लड़ करके वो चीज़ हमको हासिल हुई। अगर ये चीज़ आपसी रजामंदी से, आपसी सहमति से बन जाती तो शायद हिंदुस्तान की सियासत की शक्ल कुछ और होती, कुछ और बात होती, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, सियासी दलों ने इसको होने नहीं दिया, जो भी वजह रही हो, ये कसक हमेशा से रहेगी, हमेशा रहेगी कि हमने मुकदमा लड़ करके भगवान राम का मंदिर वहाँ पर पाया है। अब दूसरा हिस्सा है विकास का। विकास की जो बात है, ट्रॉमा सेंटर बना देने से, अस्पताल बना देने से, रेलवे स्टेशन को अपग्रेड कर देने से कुछ नहीं होगा, ये विकास से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं है। बड़ी चीज़ है कि रोजगार कैसे मिलेगा और ये समस्या उत्तर प्रदेश की नहीं है, ये समस्या उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की है। लखनऊ से जैसे ही आप बाराबंकी होते हुए गोरखपुर तक, कुशीनगर, देवरिया तक जाएंगे या लखनऊ से अयोध्या होते हुए अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया निकल जाएंगे, ये सब आपको कोई ऐसा संस्थान नहीं मिलेगा जहां पर लोग नोएडा और दिल्ली से आकर के नौकरी करें। यहां पर ऐसी कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के साथ ये दुर्भाग्य है कि सियासी दलों ने जो भी सरकार में रहा हमेशा से भेदभाव होता रहा और वही समस्या अयोध्या की भी है क्योंकि वो उसके पूर्वी हिस्से में आता है। मथुरा और वृंदावन में आप विकास देखते हैं, अगर यही मथुरा वृंदावन बगल के गोंडा जिले में होता तो उसका भी यही हाल होता। तो ये एक बड़ी समस्या है जिस पर हमारे सियासतदानों को सोचना पड़ेगा। पूरा विकास नोएडा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठा करके यहाँ लाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को एक लंबे अरसे बाद पूर्वांचल का कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना।
पांच साल में वो ये काम नहीं कर पाए, शायद इसके लिए और वक्त चाहिए होगा। तो ये सोच, विकास की जो सोच है, वो पूरे एक उत्तर प्रदेश के हिस्से को समझ करके अगर नहीं की जाएगी तो होने वाला कुछ नहीं है। आप सड़कों के अंदर अंडरग्राउंड केबलिंग कर दीजिए या बस अड्डा बना दीजिए, इससे क्या होगा? एक संस्थान आपको उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में नहीं मिलेगा जहां पर लोग नोएडा दिल्ली से आकर के यहां रोजगार करें, नौकरी करें, नहीं मिलेगा। सरकारी नौकरी है छोटी मोटी और छोटा मोटा रोजगार है। तो ये एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की है। जब तक उसको दूर नहीं किया जाएगा, अयोध्या का विकास और रोजगार से इसको नहीं जोड़ सकते। छोटी मोटी कुछ कोशिशें की जा सकती हैं, उससे कुछ बड़ा होने वाला नहीं। ठीक है, तो राम की नगरी में जो राम के भक्त हैं, जिनके अपने अपने राम भी हैं और सबके राम भी हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से वो रोजमर्रा की जिंदगी में जूझते हैं। और लोकतंत्र का ये जो सबसे बड़ा उत्सव होता है, चुनाव का मौका जब आता है, तो एक स्वच्छंद मौका होता है। हर किसी के पास एक मौका होता है जब वो अपना वोट जाकर के डालता है। इस तरीके की चर्चाएं और क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के, दुखती रग को लेकर के जब हम पत्रकार पहुंचते हैं, तो ये जरूर कोशिश होती है कि उन चीजों को उभारा जाए। किसी ने अच्छा काम किया, कोई काम करना चाहता था, वो उस तरह से उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, किसी ने काम किया लेकिन लोगों ने नोटिस नहीं किया, ये सब अपनी अपनी तरह से होता है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, इन सब ने अपनी अपनी तरफ से अपना पूरा विजन रखा है, अपनी बात को रखा है। जनता ने किसी का समर्थन किया, किसी से कुछ नाराजगी भी जताई। ऐसा नहीं कि जनता जिनसे नाराज होती है उन्हें पसंद नहीं करती, या जिनको वो पसंददीदा बता रही है उनसे ही सारी अपेक्षाएं पूरी होंगी। कोई आएगा और वो पूरा करेगा, लेकिन अयोध्या है इसलिए निश्चित जानिए कि हुई है वही जो राम रच राखा। बोल सियापति राम चंद्र की, सियापति राम चंद्र की, पवनसुत हनुमान की जय, जय श्री राम। नमस्कार। अगला शहर, अगला वोट युद्ध। नमस्कार।